लोकसभा चुनाव को लेकर के नालंदा के युवाओं में किस तरह का उत्साह है, यह जानने की कोशिश करें। हमारे पीछे जो देख रहे हैं युवाओं की एक टोली है, इनसे जानना चाहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित हैं, और ये भी आगे चलकर हो सकता है कि देश की राजनीति और राज्य की राजनीति में सक्रियता दिखाएं। हमारे साथ युवा के हैं तेज तर्रार डॉक्टर धनंजय देव, इनसे जानना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा और किस तरह की यहाँ पर किस तरह की आप लोग सरकार खोजते हैं। देखिए, सरकार तो न्याय के साथ विकास का ही सरकार हर व्यक्ति चाहता है, और नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार में वो देश में अद्वितीय है। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र को आप उठा के देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और भी कई क्षेत्र हो, तो जो काम बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी ने किया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था गाँव का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, जेपी ने देखा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, जो सपना उन लोगों ने देखा था उसे बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी ने साकार करने का काम किया है। आप गांव जाके देखिए, गांव स्मार्ट हो चुका है, हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर पक्की नली, हर घर शौचालय, और कई सरकार की योजनाएं घर घर तक जा रही है। ये काम बिहार के नीतीश जी ही बार बार की। अगर कोई मजदूर खेत में काम करता है तो मजदूरी उसी को मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी ने जो मजदूरी किया है उसी के वजह से उनको लोग वोट दे रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के कामों को लोग याद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो अभूतपूर्व परिवर्तन किया है वो देश में कोई राज्य उसका कोई जोड़ा नहीं लगा सकता। संदीप सौरभ या अन्य भी क्यों नहीं? माननीय सांसद कौशेन्द्र कुमार जी, हम लोग के छात्रों के लिए जो उन्होंने काम किया है, चाहे सांसद महोदय ने हर क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, माननीय सांसद महोदय ने हर जाति के, धर्म के, मजहब के लोगों को जो उन्होंने प्यार दिया है, जो उनके लिए हमेशा, जब भी उनको कोई फोन करे, चाहे जब भी उनसे कोई मिलने के लिए जाए, वो हर लोगों का समस्या का समाधान करते हैं। और माननीय सांसद महोदय ने इस बार 17वीं लोकसभा में उन्होंने 97% उनकी उपस्थिति रही है, और उन्होंने 86 डिबेट में 294 प्रश्न पूछे हैं। हम इसके लिए माननीय सांसद महोदय को हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से। तो आप लोग युवा चाहते हैं कि वही, और हाँ, मैं इस बार चाहता हूं कि नालंदा के जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने एक छोटा बच्चा भी उनके पास जाता है, चाहे कोई भी जाता है, वो हर लोगों का बात सुनते हैं, हर लोगों की समस्या को समाधान करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र का समस्या क्यों ना हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नालंदा के सांसद आदरणीय कौशेन्द्र कुमार जी इस बार भी 400,000 मतों के वोट से इस बार रिकॉर्ड मतों से वो विजयी बनेंगे। विपक्ष को मौका किस बात का दें? यहाँ पर नालंदा में यहाँ पर पूरी तरह से एनडीए में है, यहाँ एनडीए ही जीतेगा। विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास यहाँ महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, वो भी बाहरी हैं, उनके पास कैंडिडेट विपक्ष में जो मुख्य पार्टी है आरजेडी है, वो जानती थी कि नालंदा सीट हम लोग कभी जीत सकते नहीं हैं, इसलिए बाहरी को यहाँ पर लाकर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर भेजे हैं बस। और बाकी हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, जो 3 से मतलब जीतते आ रहे हैं, इस बार भी उनका जीत तय है, 4-5 लाख वोट से वो लोग लीड करेंगे। क्या लगता है कि यहाँ जो है, जब भी होती है लोकसभा चुनाव, तो बाहरी के कैंडिडेटों को और दूसरे पार्टी को दे देते हैं, जो मेन पार्टी है राजद या कांग्रेस, ये अपना पार्टी की उम्मीदवार यहाँ नहीं देते, ऐसा क्या लगता है आपको? क्योंकि वो लोग जानते हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वो लोग जानते हैं नीतीश कुमार का यहाँ बिहार में पूरा काम बोलता है, काम के लोग पे ही लोग यहाँ पर वोट करते हैं। और मेन रूप से माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, वो नालंदा के लोगों के दिलों में राज करते हैं, और वो राज इसलिए करते हैं, वो हर जाति धर्म के लोगों के, छात्र हो, नौजवान हो, युवा हो, हर का विकास करने का काम किए हैं हर क्षेत्र में। हमने नौकरी दिया है तो क्या उनको मौका देना चाहिए? नौकरी तेजस्वी जी कैसे दिए हैं? नौकरी तो नीतीश कुमार जी ने दी है ना, मुखिया तो नीतीश कुमार जी ने, तो तेजस्वी कहाँ से नौकरी? अब 5 लाख नौकरी की जो बात हो रही है, वो तो यशवी कह रहे कि मैंने दिया है, कहाँ से? ये नीतीश जी का प्लान था, तेजस्वी कहाँ इसमें? तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री था ना, मुखिया तो हमारे नीतीश कुमार जी ना है, तो मुखिया ही दिए थे। मुखिया आप लोग क्या लगे इस बार चुनाव में, क्यों किनके पक्ष में आप लोग जाना चाह रहे हैं?
विकास या अन्य मुद्दे पर। देखिए यहाँ न्याय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जो जी जो विकास किए हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ राजद या कांग्रेस या जो भी महागठबंधन है उसके पास उम्मीदवार लोकल ही नहीं था। देखिए एक लड़ने वाला बाहर से जो पालीगंज से आए हैं, संदीप सौरभ नाम है उनका, कहीं घूमते ही नहीं है। एक दिन प्रचार करते हैं यहाँ, एक दिन करते हैं बाहर, यहाँ करते ही कहाँ। जान रहे कि हम जीतेंगे नीतीश कुमार जी जो ने विकास किया है उसका, उसलिए यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है। तो क्या लगता है किस पोस्ट में आप बैठना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में देखिए जेडीयू शिक्षा के क्षेत्र में देखिए इतना बड़ा वैकेंसी, टीचर जो वैकेंसी है इंडिया छोड़ विश्व का सबसे बड़ा वैकेंसी। तो वैकेंसी PPSC देखिए, बिहार SSC CGL देखिए, इतना तो वैकेंसी लाए। केंद्र में जो कहते हैं कि रोजगार खत्म कर दिया गया है, आप लोग युवा वर्ग हैं तो बिहार में ही अन्य जगहों पर क्यों नहीं? लोकसभा चुनाव है, देश की राजनीति होने वाली है, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जो इस तरह के बेरोजगारों से ठगी का काम किया गया? ठगी का काम नहीं किए हैं, डिजिटली बन रहा है। डिजिटली आपका देखिए IT सेक्टर में देखिए इतना तो वैकेंसी IT सेक्टर में इतना बढ़ावा। आज से 5-10 साल पहले का बैकग्राउंड जाइएगा, कहाँ कहीं भी जाइएगा, टिकट रेलवे स्टेशन में जाइए टिकट के लिए लाइन लगना पड़ता था। अब देखिए कि वहाँ आप एक कार्ड रहता है वो इस कार्ड से आप तुरंत करवा सकते हैं 2 सेकंड में। ऐसे एक एक टिकट लेने के लिए आधा घंटा 1-1 घंटा लाइन में खड़ा। किस तरह का मौका मिलना चाहिए? देखिए सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि हल्ला वही लोग करते हैं जो कि जो पहले से बेरोजगार वही हल्ला लोग करें। आप हर एक क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ से कहीं भी कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए हर को रोजगार है। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री जी ने सबको पहले कौशल विकास योजना चलाया, अभी भी युवा को एक कौशल विकास योजना चल रहा है, उसके तहत पहले युवाओं को पहले उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसके बाद उसको कहीं भी कोई भी क्षेत्र में कोई भी सेक्टर में सेट कर दिया जा रहा है। इससे क्या, इससे तो यही बोले है, हम यही बोलेंगे कि आज के युवाओं में कोई हम सबको बेरोजगारी दिख ही नहीं रहा है, पूरा दूर दूर तक नहीं।